मेरे को पता आप थंबनेल और कंटेंट देख रहे हो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर ऐसे महान फैसले लेंगे ना राहुल गांधी, तो जरूर पीएम बन जाएंगे भारत देश के। और पीएम ये क्यों बनेंगे, और इनके जो इंडिया अलायंस ग्रुप के जो इतने बड़े बड़े इनके लीडर इनके साथ हैं, वो भी अपनी अपनी स्टेट के चीफ मिनिस्टर जरूर बन जाएंगे। सबसे पहले मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ, सब कुछ मैं विस्तार में बनाऊंगा बता मतलब बताऊंगा। वीडियो पे बने रहना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो जरूर देखना क्योंकि बात थोड़ी गंभीर है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, हमारे राहुल गांधी चीफ सॉरी पीएम बनने जा रहे हैं, किन कारणों से, सबसे पहले कारण डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फिलहाल ही उन्होंने इसी हफ्ते के अंदर एक बिल पास करने की कोशिश की है। उस बिल के अंदर ये है कि कर्नाटक स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जितने भी हिंदू मंदिर हैं उसके अंदर उनको टैक्स लगाया जाए, जैसे लगान मूवी आपने देखी उसी तरह उनको भी टैक्स देना पड़ेगा मंदिरों को। वो ऐसा है कि देखो, अगर किसी मंदिर के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का चढ़ावा चढ़ता है तो उसको 10% टैक्स दिया जाएगा, मतलब 10 लाख रुपया, 2 करोड़ है तो 20 लाख रुपया। अगर किसी मंदिर के अंदर 5 से लेके 90 लाख 80 लाख तो उसके अंदर 5% टैक्स लगेगा। तो ये उन्होंने बिल पास किया। तो ऐसा मेन करने का जो रीज़न ये है कि उनका ये कहना है कि हमको सरकारी जो खजाना है वहाँ का खाली है और उसको भरने के लिए उन्होंने ये टैक्स लगाया। हाँ, वो बात अलग है, ये सिर्फ टैक्स हिंदू मंदिरों पर लगाया गया और किसी स्टेट सॉरी और किसी भी जो धार्मिक जैसे मस्जिद या फिर चर्च पर किसी पर भी लगाया नहीं गया। और बात तो हैरानगी की ये है कि मतलब ये मंदिरों से टैक्स लेना चाहते हैं और चर्च और वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम जो भी मस्जिद है उनको देना चाहते हैं पैसा। इसमें से समय से सबसे पहले मैं ये बता दूँ, वक्फ बोर्ड और जो भी मुस्लिम समाज उनको इन्होंने मतलब 100 करोड़ देने का अनुदान किया है, और साथ में चर्च को इन्होंने लगभग 200 करोड़ देने का मतलब जो भी इन्होंने बताया अनुदान किया है, चाहे वो आप साल का मान लो चाहे महीने का मान लो, लेकिन जितना मेरे को पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अन्य हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए 393 करोड़, मतलब एक तरफ तो आप इतनी हैवी अमाउंट बांट रहे हो, दूसरी तरफ आप मंदिरों से पैसे इकट्ठा कर रहे हो, मतलब ये तो वो होगी ना लगान वर्सेस अनुदान। तो इसी को लेकर बीजेपी ने पूरा वार कर दिया ऑपोजिशन के अंदर, सॉरी इसी के चलते बीजेपी ने पूरा तरीके से वार किया है कांग्रेस पर, जो वहाँ की जो भी कर्नाटक के अंदर वो बैठे हैं। तो इस लॉ को फिलहाल तो खारिज कर दिया गया, जो सीतारमैया जी हैं जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिलहाल उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि इस लॉ को वापस ले गया, क्योंकि ये काफ़ी टेढ़ी खीर है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि क्यों खारिज हो गया और किस तरह खारिज किया गया। सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा के अंदर, इसके अंदर बीजेपी की जो सदस्य है वो सबसे ज़्यादा है, और जो इसके अंदर कह सकते हैं जैसे बीजेपी और जेडीएस जिनके सबसे ज़्यादा जिनके एमएलए हैं, अगर मैं बात करूँ इस लॉ के जो ये बिल पास करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसमें से 7 जो पक्ष थे मतलब 7 जो एमएलए थे वो इसके पक्ष में थे और 18 एमएलए ने इस लॉ के खिलाफ वोटिंग की थी, जिस कारण से ये बिल पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अगर हम बात करें तो कर्नाटक विधानसभा जो भी है इस दल के अंदर टोटल एमएलए जो हैं, इसमें से कांग्रेस के टोटल एमएलए 28 और बीजेपी के 34 एमएलए हैं और जेडीएस के 8 और अन्य के 1, और इसमें से जेडीएस और बीजेपी का तो आपको पता ही है साथ में अटैचमेंट है, जिस कारण से ये बिल पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। फिलहाल अभी ये नहीं पता कि फ्यूचर के अंदर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस लॉ को या इस बिल को पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मैंने काफ़ी खबर देखी इस करने से सच भी गया मेरे ख्याल से, और जितने भी न्यूज़ चैनल उनका ये कहना है कि उनके लिए काफ़ी टेढ़ी खीर है इस बिल को पास कराना। और बाकी यार देखो, बिल पास होना ना होना ये तो बात की बात है, फ्यूचर की बात है, लेकिन अगर देखा जाए अगर इसी तरह के ये फैसले लेंगे तो कैसे जीतेंगे आप? एक भारत देश के अंदर आप चीफ मिनिस्टर पीएम बनना चाहते हो, और नॉर्मल अगर आप एनालिसिस भी करें तो 79 या फिर 80% जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है, तो आप उन्हीं के मंदिरों को टारगेट करने के बाद आप पीएम बनना चाहते हो, ये तो एक तरह से एक मूर्खता कह सकते हैं। देखो और भी बड़े तरीके हैं जिस कारण से आप ओपोजिशन को टारगेट कर सकते हो, बीजेपी को मतलब मैदान के अंदर लेके आ सकते हो, इल्ज़ाम लगा सकते हो, और भी बहुत तरीके, लेकिन आपको यही तरीका मिला है जीतने के लिए। इलेक्शन को दिन मतलब कितने दिन रहे, 1.5 महीना रह गया शायद। ऐसी राजनीति करने के बाद मेरे को लगता है जो भी है अपने इंडिया अलायंस ग्रुप के जो चीफ जो भी इनके लीडर्स हैं वो शायद जरूर चीफ मिनिस्टर बन पाए या फिर पीएम बन पाए, शायद इसी कारण से जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं ना वो आराम से जीत जाते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा कि ये जो ओपोजिशन वाले हैं ना ये अपना नुकसान खुद करा बैठते हैं, बीजेपी की तो कुछ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी ये कुछ वीडियो मैंने बनाई है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, Facebook पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना, प्लीज़ एक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।